ओसीडी को ठीक करने के 5 सूत्र आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी को ठीक करने के लिए किन्हीं 5 सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और कौन से वह 5 सूत्र है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमें आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि ओसीडी को ठीक करने वाले 5 सूत्र कौन से हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओसीडी को ठीक करने के लिए आज के इस वीडियो में मैं 5 सूत्र दूंगा और यदि आप इन 5 सूत्र पे काम कर लेते हैं तो 100% गारंटी लूंगा कि आपकी ओसीडी ठीक हो जाएगी। परंतु इन 5 पॉइंट्स पे, 5 सूत्र पे आपको काम करना है। चलिए जानते हैं कौन से सूत्र हैं। मैं ओसीडी को ठीक करने के लिए सबसे पहला सूत्र यही है कि आपको खुद के ऊपर विश्वास करना है। सर्वप्रथम सबसे पहला सूत्र यही है कि आपको खुद के ऊपर विश्वास करना है। यदि आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, आप कोई भी एफर्ट लगा रहे हो परंतु खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। कुछ भी कर लो, चाहे किसी बड़े डॉक्टर के सामने, साइकोलॉजिस्ट के सामने आपको बिठा दिया जाए, कुछ नहीं होगा। सबसे पहला सिद्धांत, सबसे पहला सूत्र यही है कि खुद के ऊपर विश्वास करें। यदि आपका खुद के ऊपर विश्वास है तभी आपकी ओसीडी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फोबिया ठीक हो सकता है, वरना नहीं होगा। समझ लीजिए इस बात को, अपने ऊपर विश्वास करिए। अब इसमें दूसरा सूत्र समझते हैं। दूसरा सूत्र है प्रण ले। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है ये, प्रण लेना होगा। जब तक आप प्रण नहीं लोगे आपकी ओसीडी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फोबिया ठीक नहीं होगा। प्रण लेना पड़ेगा आपको, प्रण लेना पड़ेगा। और बहुत सारी वीडियोस में मैं बोल चुका हूँ, आज अभी इसी वक्त प्रण लीजिए। और इस वीडियो में फिर बोल रहा हूँ, प्रण लीजिए, अभी के अभी प्रण लीजिए कि हाँ मुझे अपनी ओसीडी को ठीक करना है, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, जो कुछ करना पड़ेगा करूँगा, अभी इसी वक्त करूँगा, अभी के अभी प्रण लीजिए, प्रण लीजिए, प्रण लीजिए। प्रण नहीं लोगे तब तक आप इसके अंदर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तीसरा सूत्र आता है इसके अंदर कि आपको अपनी तारीख तय करनी होगी कि मेरी ओसीडी एक दिन में ठीक होगी, मेरी ओसीडी एक महीने में ठीक होगी, मेरी ओसीडी एक साल में ठीक होगी, मेरी ओसीडी 5 साल में ठीक होगी, ये आपको तय करना पड़ेगा। जब तक आप इसका लक्ष्य निर्धारित नहीं कर लेते, तारीख तय नहीं कर लेते कि मेरी ओसीडी को 10 दिन में ठीक होना है, मेरी ओसीडी को 25 दिन में ठीक होना है, मेरी ओसीडी को 45 दिन में ठीक होना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपको यह तारीख लिखित में अपने पास रखनी पड़ेगी और उसके हिसाब से एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि वरना तो आप फिर ऐसा ही करते रहोगे, जब मन आया कुछ किया, जब मन आया नहीं किया, किया तो किया वरना नहीं किया। तो तीसरे सूत्र के अंदर तारीख आपको तय करनी पड़ेगी, यह जरूरी है। यदि यह नहीं करते हो तो फिर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि क्या होगा और कैसे होगा, तारीख आपको तय करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं चौथे सूत्र की। तो चौथा सूत्र यह बोलता है कि समर्पण आपको करना पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है ये, समर्पण आपको करना पड़ेगा। ओसीडी में जितने लोग भी मेरे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं उनको मैं एक ही बात बोलता हूँ, समर्पण चाहिए, समर्पण चाहिए, समर्पण चाहिए, समर्पण करना पड़ेगा। जो है, जैसा है, जिस हालात में है, जो कुछ करना पड़े सब कुछ करेंगे, वरना प्रॉब्लम तो चल ही रही है, प्रॉब्लम तो आपको लेकर के बह ही रही है ना, कुछ करके देख लेते हैं, हो सकता है इसमें रिजल्ट मिल जाए। तो समर्पण चाहिए, समर्पण मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समर्पण मांगता है। जो है, जैसा है, करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए करना पड़ेगा। सैकड़ों बार इसका एग्जांपल दे चुका हूँ, ऐसा करो, ऐसा करो, समर्पण चाहिए। अब जो पांचवां सूत्र है इसको ध्यान से समझना, अनुभव की सीढ़ियां चढ़ना है हमें। अब अनुभव कैसा है, पहले 4 सूत्र का जब हम प्रयोग करते हैं ना तो उसके अंदर जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमारा अनुभव है, उस अनुभव की सीढ़ियां बनाकर आपने चढ़ना है। और जब इस तरीके का अनुभव लेकर के आप चढ़ोगे तो तेज गति से आपको इसके अंदर रिजल्ट मिलेगा कि हाँ मुझे रिजल्ट मिल रहा है, ये चीज हो सकती है, अगर मैं थोड़ा सा एफर्ट लगाऊं तो ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका अनुभव है इसके अंदर और उस अनुभव के साथ आप काम कर रहे हो। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह पांचवें वाला कि अनुभव की सीढ़ियां आपने चढ़ना है और उस अनुभव के साथ जीना है, अनुभव के साथ बहना है। अनुभव के साथ साथ चलते हो तो आपकी ओसीडी को ठीक करने के लिए आप बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हो, बहुत देर तक इसके अंदर टिक पाते हो और बहुत जल्दी इसको समाप्त कर सकते हो। यदि आज की इस वीडियो में बताए गए 5 सूत्रों का आप प्रयोग कर लेते हो तो गारंटी देता हूँ आपकी ओसीडी समाप्त हो जाएगी।
परंतु करने वाला चाहिए। पांचों सेक्टर पे काम करना है, पांचों पॉइंट्स पे काम करना है, पांचों सूत्र को अपनाना है। यदि आप इन पे काम कर लेते हो तो आपकी ओसीडी घर बैठे बैठे हो सकती है। बहुत बार बोलता हूँ कि प्रयास करके देखिए, मात्र वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। कितने भी वीडियो देख लो, आपको काम करना पड़ेगा, फील्ड पे उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, वरना जीवन तो चल ही रहा है, ऐसे घुट घुट कर जी तो रहे ही हो आप। इससे अच्छा है कि आप एक बार उतर करके प्रयास करके देखिए। यदि आप प्रयास करते हो, रिजल्ट मिल जाता है, तो हमें इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। करके देख लेते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, करके देख लीजिए। 500 सूत्र पे काम करिए, 100% रिजल्ट मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको भी ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, इंसोमेनिया, हाइपोकांड्रिया, कोई भी मानसिक समस्या है, दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए, हमारी मदद लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।